हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। ये एक विंडो एसी सर्विस करने के लिए आए हैं। ये बहुत ज़्यादा गंदा है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ये जो इसका कंडेंसर है, जो हॉट कंडेंसर चलता है इसका पीछे वाला, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा है इसका। और कूलिंग कोयल देखो आपको बहुत गंदी दिख रही होगी। तो आज इसकी सर्विस करेंगे, आपको दिखाते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे वाला जो उसका कंडेंसर है बिल्कुल गंदा है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको पूरी जानकारी देंगे कैसे सर्विस करेंगे इसकी और कैसे इसकी सेफ्टी, मतलब कैसे सेफ्टी के साथ में काम करना है। नहीं तो आपकी मोटर भी जल सकती है और पीसीबी लगी रहती है तो पीसीबी ख़राब हो सकती है। तो आपको सेफ्टी के साथ में पूरा काम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें जो पेंच लगे हुए इसके ऊपर के कवर खोलेंगे, तभी जाके कूलिंग कोयल और इसका जो पीछे वाला कंडेंसर है ये साफ़ हो पाएगा। तो इसको ऊपर से जो कवर है ये खोल लेंगे इसके। तो इसके मैंने चार पेंच तो ऊपर से खोल दिया और इसमें साइड में पेंच लगे हुए हैं तो ये भी खोलता हूँ। जो पीछे की साइड में दो पेंच पीछे की साइड में लगे हुए तो ये भी खोल लेते हैं। आपको उसके सारे पेंच आराम से खोल लेने हैं और जो पेंच जहाँ से खोलोगे छोटा बड़ा वो वहीं पे उस हिसाब से लगाना है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपने छोटे पेंच की जगह बड़ा लगा दिया तो कूलिंग कोयल पे लग जाएगा या आपका जो पीछे वाला कंडेंसर है जो गर्म चलता है उस पर भी लग सकता है। तो ये देखो मैंने इसका लॉक तो हटा दिया और अब इसका आगे वाला कवर है जहाँ पर इसका ब्लोअर चलता है, जहाँ से ठंडी हवा आती है, तो वो वाला कवर भी इसका खोल लेंगे। तो इसमें जितने पेंच लगे हुए हैं सब खोलेंगे। तो आगे एक साइड भी इसमें पेंच लगे हुए हैं ये भी खोल लेते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो ये भी एक पेंच इसमें बीच में भी लगा हुआ है तो ये भी खोल लेते हैं और अब इसका कवर उठा लेते हैं ऊपर। देखो क्योंकि इसका ब्लोअर भी साफ़ करेंगे, पूरा इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। उसका पीछे वाला कवर भी मैंने निकाल दिया, ये उठा लिया। देखो पीछे कितना गंदा हो रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा है अंदर। तो अब इसको जेट पंप की मदद से पूरे को सर्विस करेंगे और इसमें मोटर जो लगी हुई है देखो आपको इसको पॉलीथीन से कवर कर देना है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपने इस पर पानी मार दिया तो मोटर जल जाएगी और फिर आपको पैसे घर से देने पड़ जाएंगे। आप 300, 400, 500 रुपए तक सर्विस के लेते हो और मोटर में फिर से ज़्यादा लग जाएंगे। तो देखो जैसे मैं इसको कवर कर रहा हूँ पूरी मोटर को, तो आपको पॉलीथीन से इसको कवर कर देनी है। मोटर को आप भले ही ना धुलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचो कि मोटर को भी धुलते गंदी हो रही तो उसको छोड़ देना, आप उसको धुलना मत। तो अभी देखो मैंने इसको पूरी मोटर को कवर कर दिया है। तो आपको भी इसके मोटर का चेक कवर कर देना है क्योंकि इसमें पानी जाता है ज़्यादातर, जहाँ पर इसकी लीड निकली हुई होती है, वायर निकली हुई होती है मोटर से, वहाँ से ज़्यादातर पानी चला जाता है इसमें। तो देखो फैन इसका सही चल रहा है, फैन में कोई दिक्कत नहीं है और ब्लोअर भी फैन के साथ में चल रहा है क्योंकि इसमें एक ही मोटर होती है ब्लोअर के लिए भी और फैन के लिए भी। तो मैं अब जेट पंप की मदद से इसकी सर्विस करूँगा। देखो मैं इसका प्रेशर थोड़ा कम कर लेता हूँ कि नहीं तो क्या होगा कि इसके जो कंडेंसर की जो पत्ती बनी होती है वो पूरी मुड़ जाएगी इस प्रेशर से। तो देखो आपको दिख रहा होगा, देखो कितना समय डस्ट निकल रहा है, बिल्कुल काला पानी निकल रहा है। तो आपको उसका छः क्लीन करना है, आपको जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है और जल्दीबाजी जितनी करोगे उतनी ज़्यादा देर होती है। तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, आपको आराम के साथ में प्यार के साथ में काम करना है। देखो उसमें से कितना डस्ट निकल रहा है। अभी मैं जब इसमें नीचे की साइड पानी मारूंगा, नीचे की साइड से धुलूंगा, तो आप देखना देखो उसमें से कितना काला पानी निकलेगा। इसका जो पीछे वाला कंडेंसर बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बाहर रहता है, इसमें डस्ट ज़्यादा रहता है बहुत। तो इस कारण इसकी कूलिंग बहुत कम हो गई थी। कस्टमर का कहना है कि 2016 से लगा हुआ है लगभग, ये चलता तो कमी है, कहते हैं कि चलाते तो कमी है पर फिर भी इसमें ये गंदा बहुत है। 2016 से लगा हुआ है तो गर्मी में चलाते तो होंगे ज़्यादा नहीं, भले कम चलाते हो तो गंदा बहुत है। तो दोस्तों आपको जो है बहुत अच्छे से साफ़ करना है इसको, सेफ्टी के साथ में साफ़ करना है। आपको जो आपके पास में जेट पंप होगा उसका प्रेशर आपको कम करना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। ये देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, जिधर पीसीबी है इसकी पीसीबी की साइड में, या तो कोई आपको ईंट हो या कुछ आपके पास में पत्थर हो या कुछ भी आप लगा सकते हो जिधर से कि पीसीबी की साइड में पानी ना जाए। ये तो क्या होगा कि अगर ये सीधा रखा रहेगा तो पीसीबी की साइड में पानी जा सकता है और पीसीबी आपकी ख़राब हो सकती है, क्योंकि मैंने पीसीबी की साइड में इसमें नीचे एक ब्रूश रखा हुआ था तो मैंने ब्रूश लगा दिया, तो जिससे कि इधर से पीसीबी की साइड से ऊपर उठ चुका है। तो अभी देखो कितना गंदा था, अभी ये प्रेशर पंप की मदद से हम इसको साफ़ कर रहे हैं। कंप्रेसर पर पानी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, कंप्रेसर पर आप पानी कैसे भी मार सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी आपको मोटर बचा के रखनी है क्योंकि मोटर में अगर पानी चला गया तो मोटर ख़राब हो जाएगी और आपको आप इतने पैसे सर्विस के लोगे नहीं जितने पैसे आप मोटर में लगा दोगे। या तो आपको नई मोटर लगानी पड़ेगी या फिर आपको रिवाइंडिंग करानी पड़ेगी। तो आपको जब भी काम करो सेफ्टी के साथ में करना है। देखो इसका मैं जो ब्लोअर है तो ब्लोअर भी इसका धो लेता हूँ, ब्लोअर भी बहुत ज़्यादा गंदा है इसका, तो मैं इसको भी साफ़ कर रहा हूँ। देखो आपको पीसीबी की साइड में पानी नहीं मारना, अगर पीसीबी की साइड में पानी मारोगे तो पीसीबी में पानी चला जाएगा। हम तो अगर पीसीबी हमारे से ख़राब भी हो जाएगी तो हम तो उसको रिपेयर भी कर लेंगे क्योंकि हम तो इलेक्ट्रॉनिक का काम भी पूरा करते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप काम जब भी करो तो सेफ्टी के साथ में आपको पूरा काम करना है। आपको पीसीबी की साइड में पानी नहीं मारना बिल्कुल भी। आप बाकी मोटर होगी आपकी और पीसीबी होगी, आपको दोनों चीज़ पर बिल्कुल पानी नहीं मारना, नहीं तो आपकी आप इतने पैसे लोगे नहीं जितना आप इसमें लगा दोगे। तो ये आपको याद रखना है, आपको सेफ्टी के साथ में काम करना है।
कोई भी काम करो जल्दीबाजी में नहीं करना बिल्कुल भी, आपको आराम से काम करना है। देखो मैं अब जो इसका कूलिंग कोयल है यानी कि जो आगे इसकी कूलिंग कोयल है तो वो भी मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। मैं इसका प्रेशर थोड़ा कम कर लेता हूँ, नहीं तो क्या हो रहा है, देखो इसके आगे की जो पत्ती होती है जो इसमें कूलिंग कोयल में तो ये मुड़ जाती है। देखो इसमें यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा था, मैंने आपको दिखाया भी था, तो अब ये मैं प्रेशर पंप की मदद से इसको साफ़ कर रहा हूँ। तो जी देखो आपको दिख रहा होगा, अभी जितनी काली काली थी ये सारी साफ़ होती जा रही है जो कूलिंग कोयल है, तो आपको भी इसको आराम से साफ़ करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी। देखो कूलिंग कोयल अब बिल्कुल क्लीन होती जा रही है इसकी, आपको दिखा रहा हूँ मैं, जहाँ पर भी प्रेशर लग रहा है वहीं से कूलिंग कोयल साफ़ होती जा रही है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहते हैं, नए नए कंटेंट पे वीडियो लाते रहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आप लोगों की दुआ से मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है बस, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर तो पूरे हो चुके हैं, मेरे घंटे रह गए हैं थोड़े घंटे, मेरे लगभग 3600 के करीब हो चुके हैं, क्योंकि 4000 घंटे चाहिए मुझे तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि हाफ मोनेटाइज तो हो गया है 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे पे हो जाता है वो टाइम चाहिए होता है 3000, तो वो तो हो गया मेरा चैनल, बाकी अब 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए, घंटे मेरे रह गए लगभग थोड़े ही घंटे मुझे चाहिए, तो अभी 4-5 दिन में मेरा चैनल ही मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों देखो उसमें से कितना काला पानी निकल रहा है, क्योंकि इसका पीछे का जो कंडेंसर था बहुत ज़्यादा काला था, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट था, आगे वाला तो इतना गंदा था, आगे वाला वो तो खाली बस इस पर डस्ट आगे चिपका हुआ था, बाकी जो पीछे वाला था उसमें बिल्कुल अंदर तक पूरा भरा हुआ था डस्ट, जिस कारण के बिल्कुल बाथरूम भी पूरा गंदा हो चुका है। तो ये देखो अब कितना साफ़ हो चुका है इसका कंडेंसर, आपको दिख रहा होगा पहले कितना काला था बिल्कुल कि इसमें दिख भी नहीं रहा था। अंदर की साइड से तो कंडेंसर को क्लीन कर दिया, बाहर की साइड से भी इस पर पानी मारते हैं। देखो अब बाहर की साइड से इसको बहुत अच्छे से आपको क्लीन करना है, देखो आपको दिख रहा होगा इसमें कितना डस्ट निकल रहा है अंदर से, तो आपको इस पर अच्छे पानी मार देना है कि जिससे इसमें कोई कितना भी डस्ट ना रहे। जो पीछे वाला कंडेंसर होता है सबसे ज़्यादा डस्ट इसी पर इकट्ठा होता है, यानी कि गर्दा ये सबसे ज़्यादा पकड़ता है। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो उसमें कितना अंदर डस्ट था, अब क्लीन हो चुका है, क्योंकि जब इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा इकट्ठा तो कूलिंग कम हो जाती है फिर, क्योंकि कंडेंसर बहुत ज़्यादा हीट होता है जिसे एयर पास नहीं हो पाती तो अंदर कूलिंग कम हो जाती है फिर। तो आपको दिख रहा होगा देखो बहुत ज़्यादा गंदा है, तो आपको ये पॉलीथीन ज़रूर लगा लेनी है मोटर पे, नहीं तो क्या होगा कि फिर इसमें अगर पानी चला गया तो मोटर ख़राब हो जाएगी आपकी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ देखो इसमें कितना पानी इकट्ठा हो रहा है काला काला, अभी मैं इसको ऊपर उठाता हूँ और ये सारा पानी इसका देखो काला पानी सारा बाहर निकल जाएगा, जितना भी डस्ट था आपको दिख रहा होगा बाथरूम बिल्कुल गंदा हो चुका है, तो ये बिल्कुल मैंने आपको दिखाई दिया। तो अब इसका जो फिल्टर है तो फिल्टर साफ़ कर दे, देखो फिल्टर भी इसका बिल्कुल चौक था, यानी कि डस्ट इस पर बहुत ज़्यादा था इकट्ठा हो रखा था, काफ़ी टाइम से सर्विस नहीं हुई थी इस वजह से, तो आपको दिख ही रहा होगा देखो। तो इसका जो फिल्टर था फिल्टर भी साफ़ हो चुका है, क्योंकि ये पंप की मदद से साफ़ करते हैं तो एकदम से साफ़ हो जाता है, तो फिल्टर भी साफ़ हो चुका है। और अब इसके जो ऊपर वाले कवर है अब वो आराम से साफ़ कर लेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आप पूरा इसके बारे में बताएँगे कैसे इसके फिर फिट करेंगे, यानी कि इसकी हमने जो खोला हुआ है। अब जो इसका ऊपर वाला कवर है एसी के ऊपर का, ये वाला हम साफ़ कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदा था, देखो इसमें कितना डस्ट लग रहा है, तो ये भी प्रेशर पंप की मदद से हम इसको पूरा क्लीन कर देंगे। तो अब वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं विंडो एसी के बारे में, कैसे इसकी सर्विस करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे सेफ्टी करनी है, सब आपको बता रहे हैं हम इस बारे में। तो ये कवर भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और इसका ऊपर वाला एक और कवर रह गया जिसमें इसका फ़िल्टर लगता है, इनके जो फ़िल्टर के ऊपर लगता है ये कवर, तो ये वाला कवर भी बहुत ज़्यादा गंदा था, तो इसको भी प्रेशर पंप की मदद से इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, इसको भी साफ़ कर लेंगे। तो देखो इसमें डस्ट था जितना, ये भी क्लीन हो चुका है, अब इसको आगे साइड में आगे की साइड से इसमें पानी मारेंगे, क्योंकि पीछे की साइड से तो मैं इसमें पानी मार चुका हूँ, आगे की साइड भी साइड से इसमें पानी मारेंगे, तो जितना भी अंदर इसमें डस्ट होगा ये सारा बाहर निकल जाएगा। तो आपको अच्छे जितने भी इसके पार्ट्स हैं एसी के सारे अच्छे धो देने हैं, आपको पीसीबी और मोटर पे पानी नहीं मारना, अगर पीसीबी और मोटर पे पानी मार दे तो आपकी पीसीबी ख़राब हो जाएगी और मोटर भी आपकी ख़राब हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये देखो मैं आपको जो इसका कंडेंसर था यानी कि कूलिंग कोयल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, पहले बहुत ज़्यादा गंदी थी, और अब इसका जो हमने कवर उतारा था ऊपर से ये प्लास्टिक वाला कवर है तो इसको भी लगा देंगे, और फिर ये जो लोहे वाला इसका ढक्कन है ये भी लगा देंगे, और अब इस पर जो इसके पेंच थे पेंच इसके सारे लगा देंगे। आपको जितने पेंच हो जहाँ पर जो पेंच निकालोगे छोटा बड़ा उस हिसाब से लगाना है, क्योंकि जो इसमें पीछे वाला जो कंडेंसर है और कूलिंग कोयल है अगर उनमें लंबा पेंच लगा दे उसकी साइड में तो क्या होगा कि कूलिंग कोयल में लग जाएगा और आपकी गैस लीकेज हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। कूलिंग कोयल की साइड और आपको जो पीछे वाला कंडेंसर है तो उसमें आपको उसी हिसाब से पेंच लगाना है, इसमें जहाँ पे छोटा लगा हुआ तो छोटा लगाना है, तो आपको इसमें लंबा पेंच नहीं लगाना, नहीं तो अगर कूलिंग कोयल में अंदर जाके लग जाएगा तो आपकी गैस लीकेज हो जाएगी, तो ये आपको याद रखना है। आपको सेफ्टी के साथ में काम करना है, जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी, आपको जल्दीबाजी करोगे तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा फिर आपका। ये जितने पेंच थे मैंने इसके लगा दिए, अभी एक पेंच बचा हुआ है तो ये भी मैं लगा रहा हूँ, तो आपको जितने पेच होंगे इसमें सब आराम से लगा लेने,
तो देखो मैं इसके पेंच लगा रहा हूँ। अब इसके पीछे के पेंच थे ये बचे हुए थे, तो ये मैं लगा देता हूँ पेंच इसके। आपको सब पेंच इसमें आराम से लगा लेना है, जो पीछे कंडेंसर था उसमें लगा हुआ उसके भी मैंने सारे पेंच लगा लिए। अब इसका एक पेंच बचा हुआ है तो ये भी मैं लगा देता हूँ उसमें। अब इसके पेंच तो हमने सारे लगा दिए, अब इसमें जो हमने मोटर पर पॉलीथीन लगाई थी देखो वो हटा लेते हैं। आपको दिख रहा होगा देखो मोटर पूरी अंदर से सूखी है, नहीं तो अगर हम इसमें इसको पन्नी ना लगाते इसके ऊपर पॉलीथीन तो क्या होता है कि पूरी मोटर में पानी चला जाता और मोटर ख़राब हो जाती है आपकी। तो मैंने आपको दिखा दिया देखो पूरा ऐसे हमने कंप्लीट करके अब फ्रेम में लगा दिया इसके ऊपर हमने, तो आपको दिख रहा होगा देखो ऐसे बिल्कुल साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसमें कूलिंग देखते हैं कूलिंग कैसी आती है इसमें, तो अब कूलिंग भी इसकी बिल्कुल अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने इसका जो ऊपर का कवर था कवर भी अभी लगा दिया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।